राष्ट्रीय फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम IDAMDA 2024 जो लातेहार जिले में 10 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक होना है, जिसमें मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसके तहत 2 वर्ष से कम बच्चे, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों को फलेरिया रोधी दवा दी जाएगी। और इसमें हमारी जो सहिया है, सहिया साथी हैं और अन्य जो स्वास्थ्य के कर्मी हैं, वो अपने सामने जो है दवा का सेवन करवाएंगे। इसमें जो है जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके सामने ही दवा का जो है सेवन करना जरूरी है। पिछले वर्षों में जिस तरह से दवा पले, जैसे कि 2 आदमी घर पर है, 3 आदमी कहीं बाहर गए हुए, तो दवा दे दी जाती थी, तो उस क्रम में यह पाया गया कि वो लोग दवा नहीं खाते थे और जो है उसकी बर्बादी होती थी और हमारा अचीवमेंट भी नहीं हो पाता था। इसके तहत हम लोगों ने जो है 1054 जो है बूथ बनाए हैं, जो या तो आंगनवाड़ी में है या कोई अन्य स्थान पर जो है, जिसमें जो है दिनांक 10 अगस्त को बूथ पर जो है दवा जो है उन लोगों को खिलाई जाएगी। और 11 तारीख से लेकर के 25 अगस्त तक घर घर जाकर जो छूटे हुए लोग हैं उनको भी जो है फलेरिया रोधी दवा दी जाएगी, ताकि हमारे जिले से फलेरिया का उन्मूलन हो सके। और यह एक संक्रामक बीमारी है, जिसमें क्यूलेक्स जो संक्रमित मच्छर यदि किसी व्यक्ति को काटता है तो माइक्रो फलेरी जो है ब्लड से होकर के लसिका ग्रंथियों में जमा हो जाती है और धीरे धीरे उसका संक्रमण बढ़ने के कारण फिलपाओं या हाइड्रोसील या हाथों में सूजन हो जाती है, जो जिसका इलाज संभव नहीं हो पाता। इसको हम लोग इनिशियल स्टेज में ही कुछ हद तक जो है इसका इलाज करके उसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये हाथी पांव, हाइड्रोसील या अन्य भागों में, जैसे हाथ में भी जो है सूजन वगैरह हो जाता है, उसके बाद इसका जो है ट्रीटमेंट संभव नहीं है। तो इसीलिए जो है ये खतरनाक बीमारी है और विकलांगता पैदा करती है। तो इसको जो है हम लोग फलेरिया रोधी दवा खिला करके इसको रोक सकते हैं और अपने जो जिले के लोग हैं इसे बचाव कर सकते हैं। और ये फलेरिया रोधी दवा ही एक बचाव का मात्र उपाय है। और यदि हम पूरे जिले में जो 2 वर्ष से कम के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर यदि दवा खिलाने में हम सफल हो जाएंगे तो हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं और जो डिजेबिलिटी होती है उसे भी बचाव कर सकते हैं। और इसके तहत हम लोगों ने हर एक स्तर पर जो है दवा उपलब्ध करा दी गई है CHC के माध्यम से। और ये कार्यक्रम जो है 10 अगस्त से शुरू हो जाएगा और सभी को जो है दवा जो है अपने संरक्षण में खिलाई जाएगी। किसी किसी को कुछ कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे मिचली आना, उल्टी होना या हल्का पेट में दर्द, तो उसके लिए भी जो है हमारी टीम के पास दवा रहेगी ताकि उसको हम लोग मैनेज कर सकें। और इसमें जो है हमारे अन्य विभाग, जैसे शिक्षा विभाग है, JSLPS है, पिरामल फाउंडेशन है और अन्य भी जो NCC के लोग हैं और भी जो विभाग हैं, वो हम लोग का जो है इसमें सहयोग करेंगे ताकि इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बना सकें और इस जिले को जो है फलेरिया मुक्त कर सकें। और इसी यही उद्देश्य से हमारा ये कार्यक्रम 10 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक चलेगा, जिसमें हम लोग मलेरिया रोधी दवा का सेवन, जो भी इसके लिए सक्षम होंगे खाने के लिए, जिनको इससे मना किया गया है नहीं खाने के लिए, वो सभी लोगों को हम लोग मलेरिया फलेरिया रोधी दवा खिलाएंगे। धन्यवाद।